कौन सी चीज़ें उसमें हैं जो ममासिलत रख रही हैं जो रिज़म्बल एक दूसरे को कर रही हैं तो इसका जो आंसर है दैट इज़ लाइक दिस यस देर इज़ मच कनेक्शन बिटवीन द बिगनिंग एंड एंडिंग ऑफ द पोइम हाँ हम ये हमको ये नज़र आ रहा है कि जो पोइम की बिगनिंग है और जो पोइम की एंडिंग है उसमें बिल्कुल एक वाज़ कनेक्शन नज़र आ रहा है इन बोथ केसेस वी फाइंड टीचर वेरी एंड बोर्डम तो दोनों केसेस में बिगनिंग और एंडिंग में हम देख रहे हैं कि टीचर बिल्कुल बोर है और वो ए, वो थका हुआ है एक वेरीनेस है जो उस पर छाई हुई है इन द बिगनिंग ऑफ द पॉइम द टीचर हैज शोन एज है पेसिमस्ट टू वांट टू टीच हिज डिस इंटरेस्टेड स्टूडेंट एज दे डोंट शो एनी पॉजिटिव रेस्पॉन्स एट हिज टीचिंग पॉइम के शुरुआत में हम देख रहे हैं कि टीचर जो हैं वो बिल्कुल पेसिमिस्ट हैं वो बिल्कुल नाउमेद हो चुका है और हु डजेंट वांट टू टीच डिस इंटरेस्ट स्टूडेंट्स और वो बिल्कुल नहीं चाहता कि उसके जो डिसइंट्रस्ट स्टूडेंट्स हैं जिनका इस पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है उनको पढ़ाए उनको कुछ सिखाए आ, एज़ दे डोंट शो एनी पॉजिट रेस्पॉन्स एट हज़ टीचिंग क्योंकि वो कोई मुस्बत रेस्पांस मुस्बत जवाब नहीं दे रहे हैं ऐट हिज टीचिंग जो वो उनको पढ़ा रहा है दैट मीज देक द इहेरेंट मोटिवेशन उनकी जो अपनी मोटिवेशन है वो बिल्कुल नहीं है और वो इस पढ़ने पढ़ाने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है दैट इज़ वाई द टीचर हैज़ टर्नड पेसमस्टिक इसी वजह से जो टीचर हैं वो बिल्कुल नाउमद हो चुका है वो बिल्कुल मायूस हो चुका है बट इन द मिडल ऑफ द पॉइम ही बिकम्स ऑप्टिमिस्टिक लेकिन हम देख रहे हैं कि जब पोइम का जो मेडल है बीच वाला जो हिस्सा है तो टीचर में एक उम्मीद सी जाग जाती है वो ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है एंड वांट्स टू यूटिलाइज इज फुल एनर्जी टू टीच दैम और वो कोशिश कर रहा है कि अपनी पूरी ताकत को खर्च करके वो अपनी एक बार फिर से वो अपनी हिम्मत जुटाए और कोशिश करे कि उनको पढ़ा सके ही स्टिल गेट्स नेगेटिव रिस्पॉन्स फ्राम दैम लेकिन जब उसको फिर से एक नेगेटिव मनफी uh, रिस्पांस एक मनफी जवाब मिल रहा है इन स्टूडेंट्स से क्योंकि वो पढ़ने के लिए ही तैयार नहीं है ही बिकम्स बेसमिस्टिक अगेन वो फिर से मायूस हो जाता है एट द एंड ऑफ द पोइम पोइम के एंड में एंड टू वेट्स फादर लास्ट बेल्टो रिंग इन ऑर्डर टू गैटरेड ऑफ सच डिस रूड एंड इन डिसपलानस और अब वो इस इंतजार में रहता है कि जैसे तैसे स्कूल की बैल बजे और वो इन बेगरस बदतमीज़ और इनडिसनड तो स्टूडेंट्स से आज़ाद हो जाए वो चाहता है कि जैसे जैसे बेल बजे और स्कूल की छुट्टी हो जाए तो वो इस जन्जट से आज़ाद हो जाए सो so, तम सो uh, so ये कनेक्शन था पोइम की बिगनिंग और एंड में कि पॉइम की बिगनिंग में भी टीचर uh, बिल्कुल पेसिमिस्टिक होता है मायूस होता है और फिर बीच में वो थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है पॉइम के लेकिन एड में वो फिर से उस पर वही मायूसी छाई जाती है तो ये थी इस क्वेश्चन इसके बाद जो क्वेश्चन है आफ्टर रीडिंग दिस पॉयम राइट एन अकाउंट ऑफ योर ओपिनियन आइडिया इन टू हंड्रेड टू टू हंड्रेड वर्ड्स अबाउट दिस पॉयम आप चूँकि एक तरह की इसकी पॉइम की समरी है तो या अपना एक व्यू हमको डेवलप करना है यहाँ पे देना है क्योंकि हमने ये पॉइंट पढ़ी तो हमको अपनी राय देनी है इस हायर राय करना है अबाउट दिस वेरी पॉइम इन हंड्रेड टू टू हंड्रेड वर्ड्स सौ से दो सौ अल्फाज तक द पॉइम द लास्ट लेसन ऑफ द आफ्टरनून दो एक्सप्रेस इज अ मूड ऑफ बिटर डिस्परेशन एट द थैंक लेसनेस ऑफ टीचर्स वर्क बट द पॉइम रिकॉर्ड्स हिज ऑनेस्ट फीलिंग्स अबाउट हिज जॉब ये जो पॉइम है लास्ट लेसन ऑफ द तो आफ्टरनून ये एक्सप्रेस करती है बिल्कुल एक अटल डस्परेशन बिल्कुल एक नाउमीदी ना मायूसी एट द थैंकलैसनेस ऑफ टीचर क्योंकि एक टीचर का जो काम है उसको बिल्कुल न, कोई वो एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही है उसको कोई वो एक्नोलिजमेंट में नहीं मिल रही है क्योंकि बट द पॉइम रिकॉर्ड इज ऑनेस्ट फीलिंग अबाउट हज जॉब लेकिन पॉइम ये भी रिकॉर्ड कर रहा है हमको ये भी सिखाता है कि एक टीचर जो है वो बिल्कुल ऑनेस्ट हैं अपने बच्चों को पढ़ाने में लेकिन उसके बच्चे ही ना शुक्रगुज़ार हैं वो पढ़ने पढ़ाने के काम में इंटरेस्टेड नहीं है इट इज़ अ फैक्ट दैट टीचिंग इज़ नॉट वन वे अफेयर जॉब अब ये बिल्कुल एक वो जिसको बोलते हैं अनडिसप्यूटेड फैक्ट है कि टीचिंग जो है वो एक वन वे प्रोसेस नहीं है ये, ये बिल्कुल एक हाथ से ताली नहीं बजती हैं तो वैसे ही टीचिंग तब तक फ्रैक्टिफाई नहीं होगी तब तक ये कोई फायदा नहीं पहुँचाएगी जब तक स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों इस टीचिंग के प्रोसेस में इंटरेस्टेड नहीं होंगे दोनों रिस्पांस नहीं देंगे इट इज़ नॉट पॉसिबल इफ़ द लर्नर इज़ रिलेक्टेंट इन लर्निंग अगर आप लर्नर ही जो सीखने वाला है अगर वही रिलेक्टेंट हैं वही पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है उसी वही हिचकिचा रहा है तो ये मुमकिन नहीं है कि ये लर्निंग जो है ये कामयाब हो जाए वी कैन सेंड ए स्टूडेंट स्कूल बट वी कांट मेक हिम लर्न एज़ पर हिज इंडिविजुअल विल एंड विश हम ज्यादा से ज़्यादा एक स्टूडेंट को एक बच्चे को स्कूल भेज सकते हैं लेकिन हम उसको पढ़ा नहीं सकते उसको सिखा नहीं सकते क्योंकि ये उसकी इंडिविजुअल विल उसकी अपनी विल अपनी ख्वाहिश और अपनी विश जो उसकी जो उसका इंटरेस्ट uh, है उस पर ये डिटरमाइन करता है ए स्टूडेंट कैन लर्न इफ एंड ऑनली ही वांट्स टू लर्न एक स्टूडेंट तब ही कुछ सीख सकता है जब uh, वो खुद वो कुछ सीखने के लिए तैयार है द टीचर इज ऑफ टूड इन डिस्प्लिन एंड डल स्टूडेंट जो टीचर हैं वो बिल्कुल थक चुका है मायूस हो चुका है क्योंकि उसके जो स्टूडेंट्स हैं वो र्यूड हैं बदतमीज हैं इनडिसन है, है, है उनमें कोई डिसप्लिन नहीं है और डल है बिल्कुल बोरिंग है एंड वेट फॉर द लास्ट बेल टू रिंग और वो चाहता है कि लास्ट

एक मायूस तबीयत का है क्योंकि स्टूडेंट्स जो, जो हैं वो आखिरकार ह्यूमन बीइंग्स हैं और जैसा कि कहा जाता है टू एर ह्यूमन गलती होना इंसान की फितरत है तो उनसे भी ये प्रॉब्लम हो रही है ये मसला हो रहा है लेकिन टीचर को ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए इन ऑर्डर टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सक्सेसफुल स्टूडेंट शुड बी मोटिवेटेड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कामयाब बनाने के लिए तो जो तलीम और तरबियत हैं जो स्टूडेंट्स हैं उनको मोटिवेट करने की ज़रूरत है वो मोटिवेटेड होनी चाहिए एंड इंस्पायर एट द फर्स्ट पेयॉरिटी विद डिज़ायर टू तो लर्न और उनको इंस्पायर करने की ज़रूरत है पहली तरजीह में ताकि उनमें एक पढ़ने का शौक़ पढ़ने का लगन पैदा हो जाए फॉर इवन इफ ए टीचर फेल्स टू मेक स्टूडेंट लर्न ही शुड नाट लूज इज़ हार्ट अगर एक टीचर बच्चों को पढ़ाने में नाकामयाब भी हो जाता है लेकिन उसको फिर से उसको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए बट शूड ट्राई इज़ बेस्ट अगेन करनी चाहिए क्योंकि जो बच्चे हैं उनको नॉलेज और जो लर्निंग है वो इम्पॉर्ट करने की जरूरत है उनको सिखाने की जरूरत है सो so, ये थी एक हमारी ओपिनियन या आइडिया इस पॉइंट के बारे में इसके बाद जो है तो वो इस तरह से हैं वट इज़ द मेटाफर यूज बाई द पॉइट इन द दटन्जा वन एंड आइडेंटिफाई द मेटाफर इन स्टन्जा थ्री जो स्टन्जा वन है उसमें शायर ने कौन सा मेटाफर कौन सा इसतारा इस्तेमाल किए हैं और जो स्टन्जा थर्ड है उसमें भी शायर ने कौन सा इसतारा कौन सा मेटाफर एम्प्लॉय किया है द मेटाफर यूजड इन स्टेंजा वन इज़ जो पहला स्टेंज़ा है उसमें जो शायर ने मेटाफर इस्तेमाल किया है वो इस तरह से है माई पैक ऑफ अनरोली हाउंडस उसने अपने इन स्टूडेंट्स को उस ग्रुप शिकारी कुत्तों के उस ग्रुप से कंपेयर किया है जो अपने मालिक की बात नहीं मान रहा है द टीचर हैज़ बीन कम्पेयर्ड विद हंटर जो टीचर है उसको एक हंटर शिकारी के साथ यहाँ पे कंपेयर किया गया है एंड स्टूडेंट्स हैव बीन कम्पेयर्ड विद हाउंडस और जो स्टूडेंट्स हैं वो उसके वो हाउंड शिकारी कुत्ते हंटिंग डॉग्स जो हैं उनके साथ उनको कंपेयर किया गया है, हैर्न एंड डोट फॉलो द डायरेक्शन ऑफ द टीचर हु लाइक who do हु follow their फॉलो same मास्टर सेम इज द केस they are not रेडी टू लर्न एंड रीड एंड do not फॉलो द डायरेक्शन ऑफ their टीचर ये स्टूडेंट्स भी, भी बिल्कुल उन कुत्तों की तरह अपने उस्ताद की बात नहीं मान रहे हैं और पढ़ने पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है जैसे वो शिकारी कुत्ते जो हैं वो अपने मालिक के इशारे पे उस शिकार के पीछे दौड़ने को तैयार नहीं है तो सेम इज़ द केस विद दिस स्टूडेंट्स तो इस वजह से यहाँ पे जो बच्चों को वो कुत्तों के साथ कंपेयर किया गया है और टीचर को उस हंटर के साथ कंपेयर किया गया है आइडेंटिफाई मेटाफर इन थर्ड तो स्टेंजा थर्ड जो है तीसरा बंद जो है पोइम का मिसरा है इसमें कौन सा मेटाफर पॉइंट इस्तेमाल किया गया है द मेटाफर यूज इन थर्ड इज माई लास्ट दियर फ्यूल ऑफ लाइफ एंड दियर ड्रॉस ऑफ इन डिफरेंस एनर्जी ऑफ दिन कम्पेयर विदोल एंड कम्पेयर विद ट्रस्टर तो जो यहां पे है दैट इज <coughs> जो टीचर हैं उसने कहा है कि माई लास्ट डियर फ्यूअल ऑफ़ माई लास्ट डियर फ्यूअल ऑफ लाइफ मैं अपनी जो ताकत हैं यहाँ पे टीचर uh, को कंपेयर किया गया है फ्यूअल के साथ किसी uh, ऐसी जो हम जलाते हैं तेल या कोई चीज़ जिससे एनर्जी निकलती है और uh, इन डिफरेंस ऑफ द स्टूडेंट हाइड कम्पेयर विद डिसट और जो स्टूडेंट्स की डिसइंट्रस्ट है उसको यहाँ पे कंपेयर किया गया है ड्रॉस रेजिड्यू के साथ जब हम लकड़ी जलाते हैं तो इसमें से जो आखिर में वो रेजड्यू ता है तो उसको उसके साथ कंपेयर किया गया है तो इस वजह से यहाँ पे टीचर को अपनी एनर्जी को यहाँ पे फ्यूल के साथ कंपेयर कर रहा है और स्टूडेंट्स को जो है उनके साथ वो ड्रॉस और जो रेजिटिव होता है या जो वेस्टेज होता है किसी चीज़ की तो उनके साथ यहाँ पे कंपेयर किया गया है सो so ये था स्टन मैटर for, uh, uh, instance, इसके बाद जो है दैट इज़ दजेस्ट रीडिंग पब्लिशर हैज़ सजेस्टेड दिज रीडिंग्स फॉर अस ब्यूटिफुल सोप बाई लिविस कैरल अगर आपको ये कहीं मिली तो आपको ये पढ़ो या नेट पे सर्च करो सॉन्ग ऑफ खूड जी के जस्टर्ट एंड ओल्ड गम बाई कैट वट टी एस सिलेक्ट ये बड़ी जबरदस्त पॉम है छोटी सी है एस सिलेक्ट की मैंने एक बार पढ़ी है द रेस्ट ऑफ सकूल बाई डी एच लोस एसोवे इन सकूल बाई डी एच लोस सो यू नीड टू गो गो थ्रू दिस इज गो थ्रू दिस पॉम्स एंड देन दियर इज अड टू रोड वी नीड टूर एट टीचरंग पीपल इज हैमरिंग एंड कोल्ड आयरन हौरेस्मान ने ये कोटेशन यहाँ पे लिखी है हरेस्मान कोई ही माइट भी सम फलासफर और सम लर्नर मैन उसने कहा है कि एक ऐसा टीचर जो स्टूडेंट उसको इंस्पायर किए बग़ैर उनमें वो पढ़ने की लगन पैदा किए बगैर उनको पढ़ाना चाहे तो उसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे कोई वो Uh, सरद लोहे पे हैमरिंग कर रहा है लोहार जो है वो सर्द लोहे को कोट रहा है तो इससे जब तक कि उसको आग में नहीं जाए तब तक वो मोल्ड नहीं होता तो जब तक आप स्टूडेंट्स को इंस्पायर नहीं करोगे वो कुछ सीखने के लिए तैयार नहीं होंगे सो दिस इज बाई हो एंड दिस इज अ गुड कोट सो डियर यू वोर्स हमारी लेसन माई लास्ट लेसन द लास्ट लेसन ऑफ द आफ्टरनून बाई डी एच लॉरेंस उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी चैनल को शेयर करें सब्सक्राइब करें व्यू दे ताकि जो और नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ हैं वो भी आप तक पहुँच सके शो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू